जिला कमेटी की घोषणा को लेकर प्रखंड के मुफस्सिल पश्चिम के कार्यकर्ताओं ने कुवाड़ मोड़ पर पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रखंड अध्यक्ष के चयन में धांधली की गई है। मौके पर कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे भागीरथ मंडल ने कहा कि पूर्व में कमेटी चयन के लिए की गई रायशुमारी के बाद भी दूसरे चेहरों को कमेटी में जगह दे दी गई, जबकि जिसका चयन हुआ है वो चुनाव में भाजपा के विरोध में कार्य कर रहे थे। कहा कि प्रखंड अध्यक्ष बनाने में पैसे के लेन देन का मामला भी सामने आ रहा है। प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच पैसे लेकर किसी को थोपा जाए तो मुफस्सिल प्रखंड पश्चिम के कार्यकर्ता इसे अस्वीकार करते हैं। बताया कि पूर्व में सर्वसम्मति से प्रखंड अध्यक्ष बनाए जाने का निर्णय लिया गया था, इसको लेकर हस्ताक्षर युक्त आवेदन भी भेजा गया था। कहा कि ये लोग प्रदेश कार्यालय में जाकर भी इसका विरोध करेंगे। वही मौके पर मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने भागीरथ मंडल को प्रखंड अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। वर्तमान में चुने गए प्रखंड अध्यक्ष के प्रति कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। पुतला दहन मौके पर भागीरथ मंडल, वैद्यनाथ प्रसाद वर्मा, अरुण राणा, राजेश कुमार वर्मा, घनश्याम वर्मा, सूरज कुमार, सुरेश कुमार, रामभज्जू देव, संजीव कुमार देव, प्रभाकर पांडे, नारायण मंडल, जगन्नाथ यादव, दिलचंद प्रसाद वर्मा, मुकेश राणा, सुरेश प्रसाद वर्मा, वीरेंद्र कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। पैसा लेकर मंडल राज बनाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पैसे के संगठन बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल मरंडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पश्चिमी भाग मंडल के मंडल कार्य समिति समेत पूरे कार्यकर्ता यहाँ के महादेव दुबे जिलाध्यक्ष जी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मनमाने तरीके से हमारे मंडल में मनोहर यादव को मंडल अध्यक्ष के रूप में थोप दिया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जिसको संगठन की जानकारी नहीं है, जो कल संगठन में आया हो, ऐसे व्यक्ति को बना देना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। ऐसा करना बहुत अनुचित है, इसलिए इसलिए और हम लोगों ने सर्वसम्मति से 27 तारीख को जो बगेड़िया धर्मशाला में 27 फरवरी को जो रायशुमारी हुआ था, उसमें हम लोगों ने सारे लोगों ने और इंक्लूड मनोहर यादव जी भी ने हम लोग सारे सहमति से भागीरथ मंडल जी को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहाँ पर हम लोगों ने रायशुमारी में लेटर में लिख करके दिया कि मंडल अध्यक्ष इनको हम बनाया जाए, लेकिन किस प्रकार से, किस सर्वे से, जिलाध्यक्ष पता नहीं कितने लोगों को सर्वे में लगा के रखे हैं, जो संगठन को अनजाने लोगों के हाथ में देकर संगठन कैसे मजबूत होगा, ये हमारे समझ से परे है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 100% और जैसा बाजार में भी चर्चा है कि पैसा लेकर के पदाधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ऐसा मंडल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग आज उनका पुतला दहन किए हैं महादेव दुबे का, और इस प्रकार का कार्य बंद उनको करना होगा। माननीय जिला अध्यक्ष महादेव दुबे द्वारा जो प्रखंड कमेटी प्रखंड अध्यक्ष का जो घोषणा किया गया, यह सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि 27/2/2020 को बगड़िया धर्मशाला में सर्वसम्मति के लिए सभी प्रखंड कमेटी जो भी उसमें राजशुमारी के योग्य थे सभी से राजशुमारी लिया गया था, और वहाँ पर हम लोग चार उम्मीदवार नाम आया था, जिसमें पहला नंबर में जो पूर्व अध्यक्ष थे वो भी उनका भी था, लेकिन उन्होंने और मैं उसमें उम्मीदवार था। मेरे साथ अरुण राणा महामंत्री प्रखंड वो भी उम्मीदवार थे, और महेंद्र वर्मा भी उम्मीदवार, लेकिन सभी के बैठ करके आपस में रायशुमारी एक राय बना और मुझे हमें ही लोगों ने एक रायशुमारी के तहत सबको एक मत होकर अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया, और इसके चलते हम लोगों ने ये सभी लोगों ने अपना एक हस्ताक्षर पत्र भी बनाया जो हमारे प्रदेश के लिए जाना था और भेजा गया। लेकिन क्या वजह था, क्या कारण से हमारे जिला अध्यक्ष मनोहर यादव कभी पार्टी में ना रहकर बढ़िया काम नहीं, जब हम लोग चुनाव होता है तो विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन पता नहीं लोगों के द्वारा जानकारी मिला है कि पैसे के लेन देन से उसको अध्यक्ष बनाया गया हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा। इसलिए आज पूरे प्रखंड कमेटी गिरिडीह मुफस्सिल के लोग आक्रोशित हैं, और उनके बीच हम लोग आज जो कार्यक्रम हो रहा है, पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है।